हाँ जी बच्चे, सो द स्ट्रक्चर ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजेला, आई टोल्ड यू दैट फ्रॉम इनसाइड इट इज 9+2 एंड दैट इज सेम फॉर बोथ. आउटसाइड द फ्लैजेला दे आर द स्ट्रक्चर्स, आउटसाइड द फ्लैजेला दे आर द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड इनसाइड आई डोंट रिमेम्बर whorls of the flowers. I'll explain you after the class. Anji bache, coming back to this, cilia and flagella jo structure hai, that is cilia and flagella ka outside se agar hum dekhe, to they are having the differentiated structure because flagella they are long thread like structures and cilia they are small hairy structures, hai na? But inside they are having the two having the same structure, that is 9+2 arrangement. 9+2 means 9 peripheral subunits and 2 are the central subunits. Okay, so central hub bolte hain isko. That is why we are providing it in the brackets. Okay, and these are the peripheral subunits. Ye peripheral sare subunits hain. Peripheral subunits jo hain, they are the doublet subunits. Peripheral doublet. Doublet kyun? Kyunki yahan pe do units judi hui hain. So these are the peripheral doublet subunits. Kya likhte hain inko? Peripheral doublet subunits. और जो सेंटर में है, these are the singlet central singlet subunits. These are the singlet central or central singlet subunits. Got it? These are also कनेक्टेड विद अ डबलेट ब्रिज. ठीक है, डबलेट ब्रिज के साथ कनेक्टेड होती हैं. वहां पे हम जाते हैं, अभी पहले बनाते हैं. फिलहाल ये दो लेबल्स करो और उसके आगे डायग्राम कंटिन्यू करें. ऑल दीज पेरिफेरल सब यूनिट्स डबल जो हैं, यहाँ पे है क्या कि ये रिंग्स होते हैं. एक्चुअली सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ. प्रोटोफिलामेंट्स के रिंग्स होते हैं. इन वन रिंग देयर आर 13 ऑफ द फिलामेंटस बंडल्स. ठीक है, बंडल समझ सकते हो, जैसे ये चॉक्स हैं सारे के सारे, इनको हम लोग क्या है, अरेंज कर दें, एक बंडल बना दें. ये देखो, ये बंडल बन गया ना पूरा का पूरा. ठीक है, सो ऐसे वाला बंडल एक, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा. ठीक है, सो ऐसे बंडल 13. सो ये इलॉन्गेटेड है. अब जब भी इसको कट सेक्शन में देखोगे, यू विल सी दीज एज राउंडेड स्ट्रक्चर्स. ठीक है, सो ये फिलामेंट्स के बने हुए, माइक्रो फिलामेंट्स के बने हुए, स्मॉल स्मॉल फिलामेंट्स के बने हुए बंडल्स, एंड दोज बंडल्स दे विल बी अरेंज्ड इन दिस रिंग दैट फॉर्म्स वन रिंग. ठीक है, जैसे सिंगलेट सब यूनिट है, तो ये क्या है, प्रोटोफिलामेंट्स का बना हुआ 13 सब यूनिट्स का, 13 प्रोटोफिलामेंट्स का बना एक सिंगल रिंग. सो दिस इज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कर देने आपने. ठीक है, so whatever count I have made, आपने 13 show करने if required, otherwise it's not in a diagram. Then if it is a doublet subunit, अगर ये doublet है तो दूसरा छोटा क्यों होता है, क्योंकि उसमें दो सब यूनिट्स पहले से ही शेयर्ड है. समझ गए, जैसे ये वाले आगे ना, दो या तीन, ये सारे क्या है, शेयर्ड है. अब यहां से अगर आप रिंग बनाओगे, दो सब यूनिट्स इसमें शेयर्ड है, तो ये रिंग बनेगा. और इसमें कितने चाहिए, दो तो इधर आ गए, बाकी 11 चाहिए. समझ गया ना, सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. दो सब यूनिट्स बन गई. ठीक है, यहाँ पे एक कम आई थी ना, इसलिए बराबर बनी है, नहीं तो ये बड़ी बनती है ना. सो दिस इज द स्मॉलर वाला ए सब यूनिट, बड़ा वाला बी सब यूनिट, प्रोटोफिलामेंट्स का बना हुआ सब यूनिट्स. ठीक है, डबलेट हो तो उसमें दो शेयर्ड होंगे बीच में, और अगर सिंगलेट हो तो वो 13 कर लेगा बनाने. दिस इज 13 प्रोटोफिलामेंट्स, दिस इज 11. ठीक है, क्लियर हुआ. सो यही स्ट्रक्चर वहां पे भी इन सब में है, लेकिन हम इतना डीप में जाते नहीं है. आफ्टर दिस देयर आर अगेन द केमिकल बॉन्डिंग लीडिंग इन टू द फॉर्मेशन ऑफ द आर्म्स, द टू आर्म्स फ्रॉम ईच ऑफ द स्मॉलर सब यूनिट. यू मेक अ स्मॉलर सब यूनिट लाइक दिस, द टू आर्म्स आर देयर फ्लैंगिंग आउट लाइक दिस. Arm A towards inner side, arm B towards the outer side. ठीक है, सब पे आपने दो दो सब यूनिट्स बनानी है, सॉरी सब
सब यूनिट्स पे, डबलेट पे आपने दो दो आर्म्स बनानी है, और सब पे आर्म्स बना के डबल डबल आर्म बना दो सबके लिए, वन फ्लैंगिंग इनवर्ट्स वन फ्लैंगिंग आउटवर्ड्स। बट इसकी आर्म्स में ये इतना लॉन्ग लॉन्ग हेयर्स नहीं बना रहे ना, दीज शुड बी स्मॉलर वंस ओनली, राइट, लाइक दिस। हाँ जी डन। बना लिए। दीज इनर वंस आर कॉल्ड एज आर्म ए एंड आउटर इज कॉल्ड एज आर्म बी। यहाँ पे भी इनर सब यूनिट ए, आउटर सब यूनिट बी, ठीक है। This is arm A, arm B, subunit A, subunit B. लिख लिया। अब ये सारी peripheral subunits जो हैं, ये आपस में connected हैं, तभी ये continuous structure बनाएंगे, ठीक है। So they are connected with the CA linker. CA means C जो here it is AB linkers, not C. Centriole में होगा। यहाँ पे A वाला subunit और यहाँ से B वाला subunit, they are linked like this. ठीक है, सो दे आर लिंक द वन फ्रॉम द आउटर, बी वाला आउटर से और ए वाला इनर से, इस तरह से सारों में आपने लिंकेज बनानी है। दिस इज ए बी लिंकेज, ठीक है। ए सब यूनिट पिछले वाले का और बी वाला नेक्स्ट वन, सो द सेम वे यू विल बी मेकिंग इट फॉर ऑल, मेक दिस फॉर ऑल दीस। Done. This should go in the circle. ठीक है, when you will be drawing it with the compass only ना, then it will go in the circle only, right? And now similarly, all the peripheral subunits, they are also connected with the central hub. ये central hub है, ठीक है, ऊपर नीचे dotted बना के हम center बना रहे हैं, and these are all connected with these with the help of the radial spokes, ठीक है। तो सबका आपने ए बी जो यूनिट है उनको कंबाइन कर देना है। दिस शुड बी ऑल बॉन्डेड विद द इक्वल डिस्टेंसेस एंड इक्वल वर्टिकल लाइंस, क्योंकि आपने अगर पहले शुरुआत में इक्वल बनाई थी डिस्टेंसिंग, तो अभी भी इक्वल ही स्पोक्स आएंगी यहाँ पे। सो दीज आर ऑल द रेडियल स्पोक्स अराइजिंग फ्रॉम द ए सब यूनिट टुवर्ड्स द सेंट्रल हब, इस तरह। A सब यूनिट A A, सेंट्रल हब से जुड़ गई। To provide more strength, these are having the radial heads. Providing more strength, they do have the radial heads again at the same diameter, मतलब same circle of the आपने बनाना है, ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं बना देने। This should go in a circle again. Done. Now you can proceed with the labeling of all these. This is the B subunit of the periphery. Then A subunit. These are the radial spokes, radial heads.
शेडेड वाले रेडियल हेड्स हैं और नीचे उसके स्पोक्स हैं. सो दीज आर द रेडियल स्पोक्स. देन दिस इज अ सेंट्रल हब ब्रैकेट के साथ जो हमने बनाया था ब्रैकेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इसके साथ जोड़ के बना देना दैट इज अ सेंट्रल हब. एंड अ डबलेट ब्रिज इन बिटवीन. This all is also covered by a single membrane outside it. ठीक है, एक्सोनीम. ये सारा अब आपने ये डॉटेड वाला जो हमने पहले बनाया उसको इरेज कर दो बिकॉज दिस इज द अरेंजमेंट विच इज नॉट नेक्स्ट टू द मेम्ब्रेन. मतलब मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ नहीं था ये, इसीलिए हमने इसको डॉटेड बनाया था. अब ये सारी डॉटेड स्ट्रक्चर जो है, डॉटेड लाइन जो है, वो इरेज करो. एंड देन Again with a compass, we can provide another circle just around it, which provides a full membrane around the cilia or the flagellum. So this is the outer membrane, which is present around the cilia or the flagella. So this is called as a exoneme. Got it? So this is the structure of cilia and flagella. Done. Anji, finish the labeling. Be quick. Finish the labeling part. अच्छी डन. जल्दी करो बच्चा, जल्दी. सहज, जैकलिन, जल्दी करो. हाँ जी, व्हेन यू आर डन ऑनलाइन स्टूडेंट्स जस्ट पुट योर थम्स अप. ओके, व्हेन यू आर डन विद द डायग्राम. नूर हैज डन. अंजलि, अदर्स आल्सो प्लीज बी क्विक. दिवनूर, मनजोत, रमनजीत, दिया, जल्दी करो. अदिति, हरमन, दिलजीत, वंश, राघव, ख्याति, बी क्विक. अंजिदान, दिया डन, राघव, दिया डन. व्हाट अबाउट अदर्स? दिलजीत, वंश एंड ख्याति. शैल आई रेज नाउ? चलो. So next is we will be starting now with the structure of the cilia flagella. हमने कर लिया. Now the structure of the centrioles. Centrioles, you remember, आपने centrosome नाम की एक structure पढ़ा है. Centromere, centrosome, centriole. ये terms एक जैसी हैं, लेकिन आपको confusion दूर करना है इनसे. Centromere was the primary constriction in the chromosome. ठीक है. Centrosome is the organelle. What is this organelle? It is found only in the animal cells, not in the plant cells. And this helps in the division. आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, जिसमें दो centrioles होती हैं perpendicular to one another, हमने बोला था. And then they replicate, forming the spindle fibers later on. है ना? So this centrosome has its own structure, and within it, it has the two of the centrioles which are arranged perpendicular to one another. Right? So हमने यहाँ पे structure of the centrioles जो है वो पढ़ना है in detail.
कमिंग टू दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द सेंट्रोसोम? द सेंट्रोसोम दैट इज सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर हम डिटेल्स में करेंगे, ठीक है? व्हाट इज द सेंट्रोसोम? सेंट्रोसोम इज इस तरह से साइटोप्लाज्म से इसका अपना फ्लूइड, इट इज नॉट हैविंग एनी मेम्ब्रेन, ठीक है? ऐसा कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है इसका, लेकिन इसका अपना जो फ्लूइड है वो इस तरह से डेंस है कि वो अलग नजर आता है, ठीक है? अलग नजर आता है, वो अलग डिफरेंशिएट हो जाता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग, राइट? सो दिस इज द फ्लूइड ऑफ द सेंट्रोसोम, एंड इनसाइड देयर इज अ बंडल ऑफ द, ये इस तरह से बंडल है, पूरा बंच है पूरा सेंट्रियोल्स, ठीक है? सो दिस इज वन लेग से जैसे बंच बनाया मैंने, एंड परपेंडिकुलर टू इट इज द प्रेजेंस इज द दैट ऑफ सेकेंड वन, सो लाइक दिस, ठीक है? तो ये इस तरह से इसका पूरा बंच है, समझ गए मेरी बात? जैसे ये सेल्स सेंट्रियोल्स कैसे हैं, लेट से ये सारी यूनिट्स हैं, ये बंडल बना रही हैं चॉक्स का, ये देखो है ना, फिर से जैसे ये एक पूरा बंच बना है, ये पूरा बंडल है, ठीक है? ये ऐसा पड़ा है एक अपर वाला, ठीक है? ये वाला ऐसे पड़ा, ठीक है? और उसके बाद नीचे है दूसरा ऐसे परपेंडिकुलर, एंड दीज ऑल आर हैविंग द फिलामेंटस स्ट्रक्चर अगेन लाइक दिस, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है? तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन में फिर से राउंडेड में नजर आए, व्हेन वी कट सेक्शन इट इट विल बी सीन एज इन द राउंडेड फॉर्म, बट दिस ऑल मेक्स वन सेंट्रीओल, दीज ऑल यूनिट्स अगेन जैसे प्रोटोफिलामेंट्स वहां पे बंच बनाई है, ऐसे ही ये वाली सारी यूनिट्स ने एक सेंट्रीओल बनाया, समझ आ गई मेरी बात? बंच है ये, ठीक है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स का बंच है, सो दिस इज द सेंट्रोसोम, अराउंड इट दिस ऑल्सो हैज द डिपोजिशन दैट ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स के स्मॉल स्मॉल यू कैन से इनिशिएटर्स जैसे होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे से बिल्कुल यहाँ पे माइक्रो स्ट्रक्चर्स जो हैं एसोसिएटेड हैं जस्ट अराउंड दिस फ्लूइड, एंड दीज आर कॉल्ड एज द एस्ट्रल रेज, क्या कहते हैं इसको? दीज आर द एस्ट्रल रेज, एस्ट्रल रेज विच आर एसोसिएटेड विद द सेंट्रोसोम, एंड दीज टू आर द सेंट्रियोल्स, and it done centrioles placed perpendicular to one another, astral rays surrounding this fluid, and these are acting as the initiators of the spindle fibers, jisme baad mein cytoplasm se aur ikatthe hote rehte jab ye activate ho jate, kyunki hum bolte hain ki centrosome is the cell organelle that which helps in the cell division, theek hai? Isi ne initiation dena hai, jo spindle fibers jo hai wo aise aise taiyar hone shuru ho jayenge, long fibers which carries the chromosome and helps in the separation एंड फर्दर प्रोसेस जो हमने पहले पढ़े, ठीक है? क्लियर हुआ? सो अब हमने स्ट्रक्चर किसका करना है? सेंट्रियोल्स का, ये स्ट्रक्चर, ठीक है? राइट, सो कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रियोल, एज वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजेला, इट वॉज 9+2 अरेंजमेंट, बट हेयर इन सेंट्रियोल इट इज 9+0 अरेंजमेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर सेंट्रियोल, 9+0 मतलब क्या? 9 पेरिफेरल लेकिन 0 सेंट्रल, सेंटर हमें कोई सब यूनिट नहीं है, राइट? 0 इन द सेंटर, सो अगेन मेक द सेम, दिस इज अ आउटर बाउंड्री दैट इज ऑफ सेंट्रियोल, देन इन द इमीडिएट इन द सेंटर देयर इज 0 सब यूनिट, सो वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी सब यूनिट, दिस इज नॉट सब यूनिट, दिस इज जस्ट द सेंट्रल हब दैट इज नॉट हैविंग एनी सब यूनिट, तो इसलिए हम इसको डार्केन करके बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर देते हैं, ठीक है? दिस इज नॉट द सेंटर, सेंटर में प्लेस करना है आपने, जहां पे भी आपका सेंटर है उस तरीके से, जब आप कंपास से बनाएंगे बेटा सेंटर एंड पेरिफेरी दे विल बी ऑल लोकेटेड वेरी प्रॉपरली इन योर असाइनमेंट नोटबुक्स, यू विल बी मेकिंग इट विद द कंपास ओनली, ओके? समवेयर द सेंटर, सो दिस इज द सेंट्रल हब विदाउट एनी subunits. Now in this case, the 9 peripheral subunits are not doublets, they are triplets, triple N. ठीक है, तो 9 peripheral subunits, again the same, first make the one and then point the other, इस तरह से ये parallel to the membrane नहीं जानी चाहिए, ये parallel चलेगी, that should come inside,
मतलब ये अंदर अंदर की तरफ बननी चाहिए, इस तरह से बनाना है इसको कि ये अंदर अंदर की तरफ आए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। सो दीज आर द ट्रिपलेट सब यूनिट्स लाइक दिस, नॉट राउंडेड बट इन अ स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो ऐसे ही 9 यूनिट्स के लिए डॉट्स लगा लो पहले, कितनी हो गई, हाँ जी 9 सब यूनिट्स के लिए डॉट्स लगानी है बेटा, ठीक है। नाउ स्टार्ट मेकिंग द फर्स्ट अलोंग द मेम्ब्रेन, पहला वाला अलोंग द मेम्ब्रेन, देन अगले दो टुवर्ड्स द इनर साइड, बिल्कुल पास पास भी मत बना देना, लेकिन थोड़ा दूर रखना इनको, ठीक है, बिल्कुल जोड़ के नहीं बनाने स्ट्रक्चर्स। All should be equal distance and 9 peripheral subunits. Again the same. Biggest will be at the end. ठीक है, जो सबसे largest है वो end पे होगी. ये size reduce करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा मेरे हिसाब से. डन, ठीक है, नाइन सब यूनिट्स पेरिफेरल ट्रिपलेट सब यूनिट्स। नाउ दे डू नॉट हैव द आर्म्स, दीज आर ए बी एंड सी, ए सबसे अंदर बी सी पीछे, ओवरलैप नहीं करने, अच्छा ये ओवरलैप नहीं है, ये तो इकट्ठे ही हैं, ये देखो, हाँ जी डन है, ठीक है। अब यहाँ पे सी ए लिंकर आएगा, सी ए मतलब अब जो लिंकेज हो रही है दैट इज द सी आगे है और ए पीछे, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ सी ए लिंकर, इस तरह, क्योंकि ये बहुत ही एक वाइड सा एक स्ट्रेच्ड सा लिंकर बन रहा है, सो दिस इज सी ए लिंकर, लाइक दिस, मेक इट फॉर ऑल सी ए लिंकर। वहां पे आपका पिछले वाले डायग्राम में ए बी लिंकर लिखना रह गया, वो लिख लो ए बी लिंकर, यहाँ पे इट इज सी ए लिंकर, दिस इज सी ए लिंकर, ठीक है। Right, so A B C are the subunits. This is A B C, and this linker is called as C hyphen A linker. वहाँ पे it is called as A B linker in Cilian flagell. Done, ठीक है। अब ये भी central hub के साथ joint होंगी with the spokes, है ना? But यहाँ पे जो spokes हैं वो उस तरह से नहीं है। This is one is pointed towards the center, यहाँ पे पहले तो एक एक यहाँ पे सब यूनिट लगा है, एक एक सेंटर ऑफ द सी ए लिंकर, पहले सबका एक ही डायमीटर पे सेंटर ऑफ द सी ए लिंकर बनाओ, डॉट्स
बनाने हैं तो बना भी सकते हैं डॉटेड लाइन, नहीं बनानी है तो नहीं भी बनाओ, ठीक है सबके लिए। दीज आर द यूनिट्स फॉर प्रोवाइडिंग इट स्ट्रेंथ, ठीक है। एट द सेम डायमीटर दैट इज इन द सेम सर्कल यू प्रोवाइड अ ओवल शेप स्ट्रक्चर्स डॉटेड फिल्ड बट एन इमीडिएट एट द सेंटर ऑफ द लिंकर, लिंकर के सेंटर में। ठीक है, एट द सेम डायमीटर, ओवल शेप्ड, नॉट राउंडेड इन, ओवल शेप्ड, डन। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इनको कनेक्ट करना है विद अ बिट हायर, लेकिन इनके सेंटर में जो सब यूनिट आ रही है, तीनों सब यूनिट्स के बीच में एक और नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे वहां पे रेडियल हेड्स थे ना, ऐसे यहाँ पे ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच आर प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर। अब ये आएगा इमीडिएटली बी के नीचे, सेंटर ऑफ द पेरिफेरल सब यूनिट के नीचे, और इन दोनों से लेवल में ऊपर जो आपकी साइड पे ये बनी है ना ओवल शेप वाई वाली, रेडियल हेड नहीं बोलते, वाई यूनिट बोलते हैं और एक्स यूनिट बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर द प्रोवाइडिंग द मोर स्ट्रेंथ एंड फिक्सेशन टू द स्ट्रक्चर, डन। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में जोड़ना है, यहां पे लिंक किया, ठीक है, इनको आपस में लिंक कर दो एक्स और वाई को विद ऑब्लिक लाइंस एंड डॉटेड लाइंस, डन करो, हो गया। आपस में एक्स वाई जुड़ गए सारे, एक्स वाले कौन से हैं, ये वाले डार्क डार्क जो डार्क बनाए मैंने, ये एक्स हैं, इनका लेबल अलग से नहीं करना, बाहर निकाल के नहीं करना, सिर्फ यहीं पे, और ये डॉटेड वाले वाई हैं, ठीक है, ये डार्क वाले एक्स हैं जिनमें डॉटेड फिल किया वो वाई हैं, दे एक्ट एज द रेडियल हेड्स। नाउ फर्दर एक्स वाई जुड़ गए, सारे वाईज को आपने बीच में जोड़ देना है विद द सेंट्रल हब, सारे वाइज 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 जितने हैं डॉट वाले जो आपने बनाए नॉब्स, उनको सबको सेंटर में जोड़ दो विद द स्ट्रेट लाइंस, और एक्स वालों को सी से जोड़ना है, एक्स वालों को कहां पे जोड़ना है, सी सब यूनिट से विद अ टेढ़ी लाइन ऐसा, ठीक है, इनको सी सब यूनिट से जोड़ो, एक्स वालों को सी के साथ टेढ़ी लाइन के साथ इस तरह से ब्रिज के साथ जोड़ देंगे, ठीक है जी। डन, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रियोल, ठीक है। यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं आएगी साइड में, जो वहां पे कॉमन मेम्ब्रेन थी, क्योंकि मैंने अभी बंडल दिखाया ना, तो बंडल में मैंने जब ड्रॉ भी किया तो बंडल ही ड्रॉ किया था सेंट्रियोल्स के लिए, ठीक है। बाकी ये डॉटेड लाइन को इरेज कर दो, एंड दिस इज ऑल्सो गिविंग यू द अपेयरेंस ऑफ अ कार्टव्हील, कार्टव्हील जैसा स्ट्रक्चर का अपेयरेंस आ रहा है ना, व्हील चक्का जैसा होता है ना, सो दिस इज ऑल्सो नोन टू हैव द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ कार्टव्हील स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो नोन टू शो द कार्टव्हील स्ट्रक्चर, ओके। नाउ लेबलिंग दीज एज, दिस इज द ट्रिपलेट सब यूनिट पेरिफेरल, ट्रिपलेट सब यूनिट, देन दीज आर द रेडियल स्पोक्स, and this is a central hub which is empty with a subunit, it is not having any subunit of the protofilaments, but otherwise it is having the you can say a thick lining inside, that which makes it a center, ek filamentous center axis jaise hum kehte hai na, aisa axis provided hai throughout the length jiske sath ye sare protofilaments attached hote hain, and the CA link, that's it।
ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रियोल. दिस डू नॉट हैव द आर्म्स. द आर्म स्ट्रक्चर दैट इज टू आर्म्स दे वर फाउंड इन द सीलिएंट फ्लैजेला. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रियोल एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली द स्मॉल लिटल सेल ऑर्गेनेली लाइक दैट ऑफ द साइटोस्केलेटन विच कैरीज द स्मॉल सेल ऑर्गेनेलीज दैट इज अ स्मॉल लिटल पैराग्राफ. विल बी डिस्कसिंग इट टुमारो एंड आवर चैप्टर विल बी फिनिश्ड. Right? Any questions, anyone?